ओके थी, उसके बारे में अभी तक क्या मामला चाहिए? उसके लिए ना हम सुबह 9 बजे गए थे आर्डर लेकर, जो हाईकोर्ट ने मुसद्दका आर्डर कल प्रोवाइड किए थे ना, और आर्डर आज लेकर हम तमील के लिए कि इनका अजरा किया जाए और हमारे मीर मोहतरम को रिहा किया जाए। सुबह 9 बजे गए तो उस वक्त सुप्रीम का सुप्रीटेंट और साथ में डिप्टी सुप्रीटेंट ने कहा कि 5 बजे साथ सब की रिहाई है, आप 5 बजे आके साथ सबको रिसीव कर लें। लेकिन जब हम रिसीव करने के लिए गए हैं उस वक्त गवर्नमेंट ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का गठ देखकर फिर वो बुखलाट का शिकार हो गया कि फिर साथ की इतनी मकबूलियत, उन्होंने ये समझा था कि साथ को यूं नज़रबंद रखते हुए हजूर की उम्मत को उनसे जुदा कर देंगे। लेकिन ये मोहब्बत ये लाजमा मलजूम है, मोहब्बत साथ की मोहब्बत दीन के साथ है और हमारी मोहब्बत साथ के पीछे है। और इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी बात एग्री हूँ। अभी हमारे इंदरा के साथ कुछ इंतजामी रहनुमाओं से बात हुई है, उनसे हमने जाना कि आप साजी की रिहाई मतवक़ है, उनकी रिहाई कब तक आप जारी नोटिफिकेशन जारी करें? वो कह रहे हैं कि आई जी साहब को खुद इस बारे में इलम नहीं है कि उनकी रिहाई मतवक़ है अभी कि नहीं है, 90% चांसेस हैं। और इसके अलावा एक केस है 2018 का, वो उसको मजाज बनाकर उनको अंदर रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी के बाद इनको अंदर रखने का कोई अहकाम नहीं थे। हाईकोर्ट अदालत आलिया का हुक्म था, मैं अमेंड करता जब आपकी बात को, लेकिन वो आंख से काजल आई जी बेचारा भी गुलाम है, वो आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, वो बला के चोर पीछे बैठे हुए हैं जो हजूर की उम्मत को इस पर गुमराह करने के बतुले हुए हैं। लेकिन ये याद रखे आई जी ने भी एक दिन पेश होना है और एस डी सी और रियाज ने भी पेश होना है। ये अगेंस्ट ऑफ द लॉ इलीगल आर्डर हाईकोर्ट के आर्डर पे एग्जीक्यूट करना था, उसे अमल दरामद आज करना था। हाँ, एज पर लॉ ये था कि साद को पहले रिहा करते तो फिर नए किसी आर्डर में डालते। जी बिल्कुल, अभी के फैसले अभी वो क्यों रिहा नहीं कर रहे, क्या उनके क्या अहकाम है, वो क्या कहते हैं जेल इंतजाम क्या कहते हैं? अभी वो कुफर के वो नगर दले वो राजी नहीं हो रहे उनसे, वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये मोहम्मद अरबी की नमूस पे खेल कर अपनी मौशियत बचाना चाह रहे हैं, इस तरह मौशियत नहीं बननी चाह रही। बारह जुलाई नहीं थी, 10 जुलाई थी, 10 जुलाई एज पर लॉ थी। आज साथ साहब ने रहा 5 बजे होना था, बिल्कुल जो प्रीवियस 90 डेज का आर्डर आज एक्सपायर हो चुका है। वो एक्सपायर हो गया तो अब वो रिहा क्यों नहीं कर रहे, आपको वो क्या कह रहे हैं? अभी हाई कोर्ट का हुक्म, उन्होंने पांव तले रौंद के एक नया आर्डर दे दिया कि 90 दिन के लिए साथ को हमने मजीद एक्सटेंड कर दिया, जो कि हाईकोर्ट ने दिया गया, डीसी और रियाज ने कर दिया दोबारा। ये कर सकते हैं यार पे उतरे हुए? नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब तक पहला एक भी बात है आप वापस से सुने, जब तक एक पहला आर्डर अमल दरामद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, दूसरा आर्डर तो तब इफेक्ट होगा जब वो आजाद होगा। अभी साथ एक ही डिटेंशन में सेकंड फिर डिटेंशन लगा दिया है, जो कि हाईकोर्ट से ग्रज किया है। डिटेंशन लगा दी है क्या मतलब, एक कानून से खिलवाड़ी तो जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यही खार मिलते हैं। बात कुछ नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि अभी हमारे एडवोकेट